हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 एग्जाम डेट आप लोगों की फिक्स हो चुकी है और जोन वाइज या यूं कहें कि जो हमारे एसएससी के रीजनल ऑफिस हैं उसके साइट्स पर अपडेट भी आ रहे हैं कि आपका फॉर्म किस तरीके से आप चेक करें, फॉर्म का स्टेटस क्या है आपका, और आशा करते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया होगा। कुछ जोन के अभी नहीं आए हैं तो 20 फरवरी से 12 मार्च तक आपके एग्जाम होने। अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनका 20 को ही एग्जाम हो जाएगा, कुछ ऐसे भी हैं जिनका 12 को एग्जाम होगा। अब सबसे पहला तो देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले आपको सीबीटी होगा कि 20 फरवरी से 12 मार्च तक आपका सीबीटी। उसके बाद अगले चरण कब होंगे? अब एक संभावना इस बार हमारे कैंडिडेट्स जो है वो खुद ही देखे कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेकर आते हैं कि क्या पीटी पीएसटी और डीवी मेडिकल एक साथ हो सकता है। हो तो सकता है क्योंकि पीछे हुआ है, जैसे आईटीबीपी में हुआ कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भी हुआ, लेकिन इसमें चांसेस कम हैं और अभी तक इसी तरह का कोई आधिकारिक जो समाचार है वो नहीं है कि एक साथ होगा। आप लोग एक साथ के हिसाब से आपको तैयारी रखने की जरूरत नहीं है। अभी तो देखिए ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करें सीबीटी पे, मॉक टेस्ट। अब सीबीटी आप चाहें कि अब मैं 10 दिन में कैसे करूं, तो 10 दिन 15 दिन आपका डेट न भी आया है तो ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम 20 फरवरी। और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाए, एक्यूरेसी प्रैक्टिस किस तरीके से, और गलती करने का मतलब कि कम से कम कोशिश करें। आपको पता है नेगेटिव है तो नेगेटिव है, वहां पे रिस्क नहीं उठाना कि मैथ रीजनिंग में आप पूरा स्कोर कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम भी होना चाहिए। दूसरी बात, जीएस पार्ट यदि हम बात करें तो जीएस में कोई कहता है कि मैं 20 के 20 कर दूं बहुत मुश्किल है, 10-12 क्वेश्चन जीएस में जो कर लेंगे वो बहुत बड़ी बात है। हिंदी में 18-20 तक कैंडिडेट ले जा सकते हैं क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्कोरिंग है। इंग्लिश इस बार रीजनल लैंग्वेजेस में भी एग्ज़ाम हो रहा है। अब हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होता है कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही एक चीज़ पे कि कट ऑफ क्या रहेगा। अब बहुत सारे मैसेजेज हमारे पास आपके आते हैं कि उत्तराखंड बॉर्डर का कट ऑफ क्या रहेगा। कट ऑफ क्या रहेगा ये तो उस पर डिपेंड करेगा जब एग्जाम होगा। कट ऑफ को तो अभी आप छोड़ दीजिए, अभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपने मॉक टेस्ट पे, एक्यूरेसी पे, टाइम जो है उसको मैनेज करना, और कंप्यूटर पे किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस करनी हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स फ्रेशर्स भी हैं। पिछली बार की जो कट ऑफ है उससे तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 ईयर्स का जो छूट दिया था उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो रिपीटर्स थे, और मैक्सिमम सिलेक्शन भी फाइनल सिलेक्शन वही कैंडिडेट्स लेकर गए जो रिपीटर्स थे। तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा नहीं है तो फ्रेशर्स भी इस दौड़ में हैं। हाँ, ये भी हैं कि जो पिछली बार बाहर हो गए थे इस बार फिर मौका मिल गया। तो पिछली वाली कट ऑफ को छोड़ दीजिए, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, इन चीज़ों पर फोकस करें। दूसरी बात, एक हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स जानना चाह रहे हैं कि क्या वैकेंसी बढ़ेगी। वैकेंसी बढ़ेगी, ऐसा देखिए मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि लगभग 15,000 वैकेंसी वो बढ़ने के चांसेस हैं जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए थे। किसमें? 22 वाली में ज्वाइन नहीं किए या ज्वाइन करके महीना, 2 महीना, 15 दिन बाद कहीं दूसरी जगह सेलेक्ट हो गए तो वहाँ छोड़ के चले गए, तो वो वैकेंसीज इसमें जुड़ने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से वैकेंसीज टोटल हो जाती है हमारी 40,000 के आसपास वैकेंसीज होने के चांसेस हैं। वैकेंसी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कट ऑफ थोड़ा डाउन आएगा। दूसरी बात, अब 40,000 पीटी पीएसटी कितने गुना कैंडिडेट्स का होगा? पीटी पीएसटी आप लोगों ने देखा कि ज्यादा समय नहीं मिला। दिल्ली पुलिस में क्या हुआ के रिजल्ट के साथ ही कैंडिडेट्स एकेडमी में बात करें, एकेडमी में फीस जमा करवा दिया कि मैं फिजिकल के लिए आ रहा हूँ, फी पे कर दिया, या एकेडमी ज्वाइन कर किया, एक दिन वहाँ पे प्रैक्टिस किया, उसके साथ ही पता चला कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद फिजिकल आ गया। तो ऐसा यहाँ भी कोई बड़ा इशू नहीं है कि यहाँ पर भी हो जाए।
पीटीपीएससी आप लोगों को पता है कि 5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में करना है, बहनों को 1600 मीटर करना है। तो ये प्रैक्टिस आप जिनका 20 तारीख को एग्जाम हो जाता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका एग्जाम 12 मार्च को होगा उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है कि उनका भी मन नहीं लगेगा। तो एक मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूं कि 30 मिनट का समय जो है वो आप परीक्षा के साथ ही फिजिकल के लिए भी निकालें, कि थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा टेस्ट सुबह शाम जैसा भी आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग, कि थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। कुछ आपके इशू हैं, वेट है, नौकनी जैसे इस तरह के इशू हैं, ओवर वेट की वजह से नौकनी बना हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा देखिए दोस्तों अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जैसे झटका लगा कैंडिडेट्स को वैसा झटका एसएससी जीडी में भी दे सकते हैं, क्योंकि वही दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है और वही सीएपीएफ होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है। यदि हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो लगभग 30 से 45 दिन कैंडिडेट्स को मिल जाते थे एग्जाम के बाद। ये एग्जाम के बाद आपको ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया जाएगा, उसके बाद वो ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट का भी कुछ टाइम रहेगा, वो टाइम रहने के बाद आंसर की जो है वो अपडेट हो गई, आंसर की अपडेट होने के बाद रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट बनने के बाद जो बोर्ड बनेंगे। लेकिन साथ में एक चीज़ और आ रही है कि लोकसभा चुनाव हैं तो फोर्सेस का एक बड़ा हिस्सा जो है वो लोकसभा चुनावों में ड्यूटी में लग जाता है, कि उस समय वहाँ पर उनके पास अफसर से लेके मेडिकल अफसर तक और एटम पार्टी सब थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन एक चीज़ हमने इस बार देखी कि 26 जनवरी की वजह से जनवरी के महीने में दिल्ली में भर्ती से संबंधित एक्टिविटी नहीं होती, 15 दिसंबर के बाद ही बंद हो जाती है। और यही गलतफहमी दिल्ली पुलिस वाले कैंडिडेट्स के साथ भी थी, लेकिन इस बार हमने देखा कि 26 जनवरी के दिन भी मेडिकल हुए। तो आप लोगों को मैं यहां आगाह करना चाहूँगा कि पीटीपीएसटी के लिए 30 मिनट का समय अपना पढ़ाई के टाइम से थोड़ा सा निकालें, 30 नहीं तो चाहे 20 मिनट का ही निकालें, थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी थोड़ी करते रहेंगे तो एकदम से जोर नहीं पड़ेगा। अब 40,000 यदि वैकेंसी हो जाती है तो कितने कैंडिडेट्स को 8 यानी कि लगभग 3,20,000 कैंडिडेट्स को यहां पर पीटीपीएसटी के लिए बुलाया गया। पीटीपीएसटी और मेडिकल एक साथ संभव देखिए इसलिए नहीं है क्योंकि मेडिकल का बजट आता है और 3,20,000 कैंडिडेट के लिए बजट फोर्स अलाउ करे, वित्त मंत्रालय अलाउ करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो संभावना भी यही है कि 3,20,000 का फिजिकल होता है, इसमें से जो क्वालिफाई होते हैं उसके बाद फिर आपको पता है कि 2 गुना यदि 40,000 वैकेंसी हो जाती है तो 80,000 कैंडिडेट का मेडिकल होगा, बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप लोगों में से ही कुछ जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं कैंडिडेट, ये उनका ही अपडेट है, कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है, लेकिन सूचना वो लोग ही देते रहते हैं कि दिल्ली पुलिस का भी वही लोग और ये NSQF का भी वही लोग आप में से जो भर्ती हो जाते हैं वही शेयर कर देते हैं कि NSQF है, ये है, वो है। बोर्ड एक्चुअली साथ साथ बनते रहते हैं तो ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, कि जो पहले मिलता रहा है वैसी गलतफहमी में नहीं रहना कि उस तरीके से टाइम मिल जाएगा। पीटीपीएसटी की अपनी तैयारी साथ में रखें। मेडिकल का यदि आपका कोई इशू है, 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाता है, 12 मार्च को लास्ट एग्ज़ाम है और शुरू होगा 20 फरवरी से। अब जिनका पहले एग्ज़ाम हो जाएगा उनको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो आगे की तैयारी कर लेंगे, कि पूरा फोकस आगे की तैयारी पे जुट जाए। जिनका लास्ट में एग्जाम होगा उनको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो पहले एग्ज़ाम हो रहा है उनके रिव्यूज से उनको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो पहले एग्ज़ाम आता है आपका या बाद में आता है उस पर अभी ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो ये सोच के तैयारी करें कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो 20 फरवरी को है और 20 फरवरी के अकॉर्डिंग मुझे 80 क्वेश्चंस जो 60 मिनट में करने हैं, तो 60
अब घर पे आप यदि 55 मिनट में कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, तब वहां 60 मिनट में कर पाएंगे। घर पे ही यदि आपको 60 मिनट लग रहा है तो वहां पर निश्चित रूप से क्वेश्चन छूट जाए, कोई बड़ा इशू नहीं है। कौन सा पार्ट पहले करना है, कौन सा पार्ट बाद में करना है, उसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और जो आप लोगों ने जानना चाहा था कि क्या वैकेंसी बढ़ेगी, तो वैकेंसी बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कट ऑफ क्या रहेगा, तो कट ऑफ देखिए जब एग्जाम शुरू हो जाएगा, और एग्जाम शुरू नहीं, एग्जाम जिस दिन आखिरी हो जाता है उस दिन कट ऑफ का सटीक आइडिया लग पाता है कि कितना कैंडिडेट्स कितना स्कोर कर रहे हैं। और सटीक आइडिया तो कट ऑफ का उस स्थिति में लग पाता है जब आप लोगों की आंसर की अपडेट हो जाती है। पेपर का लेवल कैसा रहता है, तो पेपर का लेवल पिछली बार के पेपर के जो लेवल हैं उनको आप उठा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और साथ में 30 नहीं तो 20 मिनट का टाइम जो है, देखिए 20 मिनट तो यूं ही बीत जाते हैं बैठे बैठे, तो वो टाइम अपना फिजिकल एक्टिविटी पर भी जरूर दें, ताकि आपको एकदम से यदि फिजिकल आ जाए तो आपको साथ दिल्ली पुलिस वाले कैंडिडेट्स की तरह धोखा ना हो कि बहुत अच्छी तैयारी थी लेकिन फिजिकल में बाहर हो गए, बहुत अच्छी तैयारी थी लेकिन मेडिकल में बाहर हो गए। तो ऐसी गलती नहीं करना है, अपनी पूरी तैयारी रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तमाम उन कैंडिडेट्स को जो उस 50 लाख की भीड़ में शामिल हैं और फोर्सेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जय हिंद।